हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फूड कॉर्नर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसी चिकन चिली को घर पे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। बहुत ही यम्मी सी हमारी चिकन चिली बनकर रेडी होती है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चिकन चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम चिकन, अच्छे से वॉश कर रख लिया है। फिर हमें चाहिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स, तो देख लेते हैं कौन से इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए। तो मैंने लिया है लहसुन और अदरक बारीक चॉप करके, प्याज और शिमला मिर्च को डाइसेस में कट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च बीच में से स्लिट कर यानी बीच में से कट कर, और एक अंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर ड्राई कर लिया था। फिर मैंने इसमें ऐड किया है नमक, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली नमक डालिए। डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी लेमन जूस के ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ऐड किया है 1.5 चम्मच मैदा और फिर ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो बिल्कुल यही रेशियो आपको रखना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आने वाली है सबको। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा, तो अंडे को हमने अच्छे से फेंट लेना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से चिकन पर कोट कर लेना है। तो मैं इसे एक स्पून के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स है चिकन पर अच्छे से कोट होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेना है। फिर इसे कवर कर मैं 15 से 20 मिनट तक रख लूँगी। तो चलिए करते हैं आगे की प्रोसेस। तो हमने लेने एक कढ़ाई या फिर पैन, फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, अच्छे से थोड़ी देर के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसे। फिर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, आप अपने स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हरी मिर्च ले सकते हैं। फिर ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। बिल्कुल इसी डाइसेस में आपको प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लेना है, बहुत ही अच्छी लगती है चिकन चिली में। फिर हमें इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, ज़रूर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक चटपटा सा स्वाद हमें मिल जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो यहाँ पर आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसमें डालनी है एक स्लरी कॉर्नफ्लावर की, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। फिर मैं इसमें पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल रेडी कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी में और फिर इसमें ऐड कर देना है। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है हम ये सब निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। सोया सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही जो हमारा कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक चुका है, बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए। फिर ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर
और फिर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चिकन चिली वाली ग्रेवी एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम जल्दी से चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मिनट्स तक मैरिनेट के लिए रख लिया था। अब मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक कर मैं इसमें सारे चिकन को फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही जल्दी हमारा चिकन पक जाता है फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में ही ये हो जाएगा क्योंकि हमने इसे मैरिनेट के लिए रख लिया था। तो 2 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप कीजिए और दूसरे साइड से भी इसे पका लीजिए। डालते से ही हमें इसे फ्लिप नहीं करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी कोटिंग निकल जाएंगी, इसलिए थोड़ी देर से हमें इसे फ्लिप करना है और फिर दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेना है। तो हमारा जो क्रिस्प सा चिकन है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है और एकदम सा जो क्रिस्पी हमारा चिकन है रेडी हो चुका है। तो चलिए अब जो ग्रेवी है हम इसमें ये ऐड कर लेते हैं। तो हम इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है ग्रेवी में क्योंकि हमें जो चिकन है ये थोड़ा सा क्रिस्पी ही रखना है, तो हमें मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा टॉस कर लेना है। और बस लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी चिकन चिली एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। आप इसे इफ्तार में बनाइए या फिर स्नैक्स में बनाइए, स्टार्टर डिश रखिए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।